Hello students, welcome to Digimento Education. The topic that we are going to do today is tenses. जब हम बात करते हैं tenses की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में question आता है कि tenses तो बहुत मुश्किल होते हैं इनको करना. अक्सर लोग confused हो जाते हैं tenses के लिए. लेकिन अगर हम tenses की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल यह है कि tenses होते क्या हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं. तो अगर आपको मालूम है कि अच्छा ये कंडीशन है वहाँ पे हम ये टेंस इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए. तो अगर हम बात करते हैं टेंस की, सो दिस वर्ड टेंस हैज़ कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस. ये शब्द जो है एक लैटिन वर्ड टेम्पस से आया और इस वर्ड का मतलब होता है टाइम. इसलिए हम कह सकते हैं कि टेंसेज का मतलब होता है टाइम. तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसेस. और हर चीज़ एक टाइम लिमिट में होती है. टेंसेस आर फर्दर ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स. लाइक फर्स्ट वी कैन से इज़ योर प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट, एंड द लास्ट वी कैन से इज़ फ्यूचर. लेट्स सी ये सारे होते क्या क्या हैं. प्रेजेंट मतलब आज, अभी, इस वक्त, यानी कि टुडे. आज जो है, अभी जो है, इस समय जो मैं बोल रही हूँ, जो बात हो रही है, वो है हमारा प्रेजेंट. नेक्स्ट है हमारा पास्ट. पास्ट वही जो बीत गया, जो पास्ट हो गया, बीत चुका है. लाइक इट कैन बी लाइक यस्टरडे, और वी कैन से लेट्स से लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ. कुछ भी हमारा जो है जो बीत चुका है वो हमारा पास्ट हो गया. सो आज अभी हम जो हैं वो है हमारा प्रेजेंट. जो बीत गया वो पास्ट है, मतलब एक सेकेंड पहले भी जो बीत चुका है वो पास्ट हो गया. और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर जो आने वाला है, मे बी एक घंटे बाद, एक सेकेंड बाद, जो भी है वो हमारा फ्यूचर है. सो इट कैन बी लाइक टुमोरो, इट कैन बी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी आप कहें जो आने वाला है फ्यूचर में, वो है हमारा फ्यूचर टेंस. सो बेसिकली हमारे तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड योर फ्यूचर टेंस. अब यही सारे टेंसेस आगे और पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो लेट्स लुक इनटू दैट. वो कौन से होते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट वो किस तरह से यूज़ होते हैं. फर्दर टेंसेज आर ऑफ फोर टाइप्स. पहला है हमारा सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस. सेकेंड इज योर कॉन्टिन्यूस टेंस. थर्ड इज योर परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट इज योर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब जो हमने पहले देखा था कि हमारा प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है और फ्यूचर है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम इनके अंदर करते हैं. मीन्स सिंपल टेंस विल बी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. देन इफ यू टॉक अबाउट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस भी आपका प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा और फ्यूचर में भी होगा. आगे अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, सेम हियर, विल हैव प्रेजेंट, पास्ट फॉर इट एंड द फ्यूचर फॉर इट. द नेक्स्ट इज योर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सिमिलरली वी हैव अ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन प्रेजेंट एंड पास्ट. बट इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो यूजुअली वी डोंट हैव अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दीज डेज. क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दिस इज नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट इट इज़ ऑल्सो फॉर स्पोकन एंड रिटन. सो आज हम प्रेजेंट अगर बात करते हैं तो विद द डेवलपमेंट ऑफ टाइम बहुत सारी नई चीज़ें हमारी एक लैंग्वेज में ऐड होती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं और कुछ पुरानी चीज़ें उसमें से डिलीट हो जाती हैं. उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो एट प्रेजेंट वी डोंट हैव अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. एंड आई रिमेंबर फ्यू ईयर्स बैक UPSC में भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आया था, दैट विच टेंस इज नेवर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. एंड नॉट ओनली अबाउट स्पोकन बट इट इज ऑल्सो नॉट यूज्ड इन रिटन ऑल्सो. तो आगे अब हम देखते हैं एक एक करके कि ये सारे टेंसेस कहाँ यूज़ होते हैं
उनके क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं या और क्या प्रोबेबली एरर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ताकि आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग करेक्ट कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है या उन्हें उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम उसे यूज़ करते हैं. सो लेट्स लुक इनटू दैट. So, the first condition is universal truth or facts. अब universal truths या facts होते क्या हैं? Universal truths और facts वो होते हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं. ऐसा नहीं कि आप इंडिया में हैं तो कुछ और होगा और अमेरिका जाएंगे तो वो चीज़ बदल जाएगी, लेकिन वो पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, चाहे इंडिया में हो, अमेरिका में हो, चाइना में हो, जापान में हो, ये फैक्ट्स, ये सच्चाई हमेशा सच्चाई ही रहेगी. जैसे कि लेट्स लुक इनटू सम एग्जांपल्स, लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब सूरज पूरब से उगता है, हम सब जानते हैं. चाहे आप इंडिया में हो, चाहे चाइना में, जापान में, सूरज हमेशा पूरब की साइड से ही उगता है. सो दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट और ये हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. आप कोई और एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक कुछ और ऐसा जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो. जस्ट थिंक थिंक थिंक. ओके, आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स. इफ आई से द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जो धरती है वो अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमती है, एंड देन इट कम्प्लीट्स अ सर्कल ऑफ 24 आवर्स जो घूमती है. सो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. हमेशा हम जानते हैं कि धरती हमेशा अपने एक्सिस पे घूमती है, फिर हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें वो अपने एक्सिस पे ही घूमती रहेगी. और इफ आई से द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती जो है वो सूरज के आसपास घूमती है. हम जानते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई से दिस इज अ सन फॉर एग्जांपल, एंड वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन एंड अर्थ इज वन ऑफ देम. सो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. हम सब जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एंड अर्थ इज वन ऑफ देम. सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. दिस इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल ट्रूथ. जो आप किसी भी कोने में जाएंगे वो आपका सच ही रहेगा. देन लेट्स लुक इन टू द नेक्स्ट कंडीशन. द नेक्स्ट इज हैबिचुअल एक्ट्स. नाउ द क्वेश्चन इज वॉट इज हैबिचुअल एक्ट्स. हैबिचुअल एक्ट्स होते क्या हैं? अक्सर वो आदतें जो हम अक्सर करते हैं या हमारी आदतों का हिस्सा होते हैं, उनको हम हैबिचुअल एक्ट्स कहते हैं. हैबिचुअल एक्ट्स में एक्चुअली वी यूज़ लॉट ऑफ एडवर्ब्स. लाइक बहुत सारे एडवर्ब्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एवर, नेवर, ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज और फ्रीक्वेंटली. सो नॉर्मली जब हम अपनी आदतों के बारे में या आप अपनी या किसी की भी आदतों के बारे में बात करते हैं, यूजुअली हम ये सारे एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं अपने उनकी आदतों को बताने के लिए. लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं अक्सर अपना लंच ऑफिस में करती हूँ, आई ऑफन डू माई लंच, हैव माई लंच एट ऑफिस, मतलब मैं अक्सर अपना जो लंच है वो ऑफिस में करती हूँ. सो ऑफन मीन्स अक्सर, ज़्यादातर. सो मैं अपना लंच ज़्यादातर ऑफिस में करती हूँ. कई लोग नहीं करते, कई लोग लंच करने बाहर चले जाते हैं या करते नहीं हैं, लेकिन मैं अपना लंच अक्सर ऑफिस में करती हूँ. सो आई ऑफन हैव माई लंच एट ऑफिस. और इफ आई से लाइक धीरज, ही गोज आउट फॉर
for dinner with his family. On weekends, weekends पे धीरज अपनी family के साथ बाहर जाता है dinner करने, बहुत काम, बहुत ज़्यादा. So in that case, we can use like धीरज goes, धीरज usually goes out to have his dinner or with his family. अक्सर ज़्यादातर वो जाता है. So this are like, you know, we can use these adverbs to define about your habitual facts. Frequently मैं shopping करने के लिए South East जाती हूँ ज़्यादातर, और मैं हमेशा यही dress पहनती हूँ, या मैं हमेशा यही जाती हूँ. I always goes to this restaurant. मैं ज़्यादातर हमेशा इसी restaurant में जाती हूँ. Or if I say that my daughter goes to school at 6 o'clock. Now here I have not used any of these adverbs. इनमें से कोई भी मैंने adverb यहाँ नहीं use किया, लेकिन फिर भी ये उसकी आदत है, उसका habit है, उसका रोज school 7 बजे लगता है, so वो 6 बजे school जाती है. So इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ये adverb use नहीं करेंगे तो आपका ये habitual fact नहीं होगा, but अक्सर ज़्यादातर हम cases में, in case of telling your habitual acts, हम इन सब को use करते हैं. So please use them. And आप और examples बना सकते हैं, जैसे like for example, अगर आप कहते हैं कि मैं अक्सर ये काम करता हूँ, मैं हमेशा इतने बजे जाता हूँ, मैं हमेशा ये नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी करता हूँ, तो कोई भी चीज़ जो आपके एक habits का हिस्सा बताती है, in that case हम उनको यहाँ पे आप use कर सकते हैं. अब इसको और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको अगर 3 एग्जांपल्स दिए हैं, तो आई थिंक आप अपनी तरफ से 2 और एग्जांपल्स मुझे दे दीजिए. सो यू विल नो व्हाट कैन बी द कंडीशंस, सी कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर हम इन्हें यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट इज रिपीटेड और रेगुलर एक्शन. रिपीटेड और रेगुलर एक्शन, रेगुलर जो आप रेगुलरली करते हैं, या रिपीट जो बार 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 रिपीट होता है, सो उन एक्शंस को हम इस कैटेगरी में डालते हैं. कई लोग इसे डेली रूटीन भी बोलते हैं, क्योंकि आप डेली रूटीन में अक्सर वही काम बार 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 रिपीट करते हैं. बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रोज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी रिपीट होती हैं टाइम एंड अगैन. जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, तो लेट्स से अगर आपके फादर जॉब कर रहे हैं, तो उनको हर मंथ एंड पे सैलरी मिलती है, तो वो रेगुलर एक्शन है जब तक वो उस जॉब में है. सो आप अगर कहते हैं लाइक माय फादर गेट्स सैलरी ऑन मे बी 7th ऑफ एवरी मंथ और ऑन द लास्ट वर्किंग डे. डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज में 7th को मिलती है, कईयों में 10th को मिलती है, कईयों में आपका लास्ट वर्किंग डे पे मिलती है. लेकिन ये एक वो एक्शन है जो बार 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 हर महीने के बाद आपको होता है. अगर मैं कहती हूँ लाइक माई डॉटर गोज टू स्कूल at 6 o'clock, तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरी बेटी 6 बजे स्कूल जाती है, तो स्कूल आपका लाइक 5 days या 6 days जो भी है वो रोज़ जाती है, वो एक रिपीटेड एक्शन है जो बार 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 हो रहा है. सो उस केस में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. और कोई एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं रोज़ सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, I wake up at 5 AM, मैं 5 बजे उठती हूँ, या मैं 9 बजे ऑफिस जाती हूँ, मैं इस कंपनी में काम करती हूँ और मैं 9 बजे ऑफिस जाती हूँ. इफ़ आई से आई वर्क विद डिजिमेंटो एजुकेशन और आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock, तो मैं रोज़ाना जाती हूँ जो भी मेरे वर्किंग डेज हैं उसके अंदर. सो ऐसा एक्शन जो आपका रेगुलरली होता है और रिपीट होता है बार बार, यानी कि आज हो गया फिर नहीं होगा, लेकिन
फिक्स नहीं है कि हाँ रोज़ाना होगा या 6 घंटे बाद होगा या 1 महीने बाद होगा, फिक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. तो वो एक्शन जो आपका रिपीट हो रहा है या आपका रेगुलरली हो रहा है, सो वी यूज देम इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. द नेक्स्ट कंडीशन इज द थिंग्स विच आर जनरली ट्रू इन द प्रेजेंट. मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, अगर मैं अभी की बात करूँ तो वो अभी सही है, हो सकता है पहले ऐसे ना हो या हो सकता है आज के बाद ऐसा ना हो, लेकिन आज प्रेजेंट के केस में वो चीज़ सही है, ट्रू है. लाइक अगर मैं कहती हूँ देव लव्स इटालियन फूड, अगर मैं कहती हूँ कि देव को इटालियन खाना पसंद है, तो हो सकता है उसे आज तो पसंद है लेकिन आगे फ्यूचर में आके पसंद होगा नहीं होगा, टेस्ट चेंज हो सकता है, मे बी उसे ना पसंद हो या पहले पसंद नहीं था अब पसंद है. सो ऐसी चीज़ें जो जनरली प्रेजेंट में जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय वो चीज़ें सही हैं, ट्रू हैं. सो दैट इज़ द कंडीशन, वन ऑफ द कंडीशन. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. अगर मैं कहूँ कि मैनी इंडियंस और लॉट ऑफ इंडियंस go to America for higher studies. बहुत सारे students हैं, बहुत सारे Indians हैं जो अपनी higher education के लिए America जाते हैं. और अगर मैं आज की बात करूँ तो ये बात सही है. According to some kind of research, you can say nearly 4,000 or 5,000 students एवरी ईयर दे गो टू अमेरिका फॉर देयर हायर स्टडीज. तो ये बात आज के केस में सही है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो नहीं देगा H-1 वीज़ा टू द इंडियन, तो हो सकता है कि ये चीज़ कम हो जाए या लोग अमेरिका की जगह कहीं और जाना शुरू कर दें अपनी हायर स्टडीज़ के लिए. लेकिन अगर मैं आज प्रेजेंट के केस में बात करती हूँ तो ये कंडीशन सही है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाते हैं. अगर मैं कहती हूँ मैं आई लिव इन एन अपार्टमेंट बट अब्दुल लिव्स इन अ बंगलो, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ लेकिन अब्दुल जो है वो बंगलो में रहता है. तो आज जिस समय मैं ये बोल रही हूँ उस समय तो मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, हो सकता है नियर फ्यूचर में विद इन लाइक ईयर टू ईयर्स मैं भी बंगलो में रहूँ, लेकिन अगर मैं आज की बात कर रही हूँ तो ये कंडीशन सही है दैट आई लिव इन एन अपार्टमेंट बट अब्दुल लिव्स इन अ बंगलो. सो वन ऑफ द कंडीशन इज द थिंग्स विच आर जनरली ट्रू इन प्रेजेंट. मतलब वो चीज़ें जो प्रेजेंट के केस में जब आप बात कर रहे हैं वो ट्रू हैं, वो सही हैं. आप भी कोई कंडीशन दे सकते हैं लाइक आई वर्क इन दिस कंपनी और आई स्टडी दिस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू. कोई भी कंडीशन जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद आपका क्लियर हो जाए, आप जॉब करें. तो जो भी कंडीशन उस समय मौजूद होती है उस समय ट्रू होती है प्रेजेंट के केस में, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कंडीशन इज़ टू गिव इन्फॉर्मेशन. जब आप किसी को किसी तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं अपने बारे में, किसी और के बारे में, कभी भी कुछ भी, तो उस केस में हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं. अगर वो कंडीशन उस प्रेजेंट टेंस में है, लाइक इफ़ यू लुक इनटू द पिक्चर, अगर आप ये पिक्चर देखते हैं तो आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं ये कौन है. इट्स द प्रेजेंट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, दैट्स विराट कोहली. तो अगर मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं कहीं पे, लाइक इफ़ आई से लेट्स सी, लेट मी राइट डाउन फर्स्ट एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट. विराट इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम. ही लिव्स इन दिल्ली विद हिज फैमिली. He is a batsman. He loves dancing.
सो ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है जो हम विराट कोहली के बारे में दे रहे हैं. विराट कोहली इज अ कैप्टन, ही लिव्स इन दिल्ली विद हिज फैमिली, ही इज अ बैट्समैन, ही लव्स डांसिंग. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम विराट कोहली के बारे में दे रहे हैं. आप लोग चाहें तो एक एक करके मेरे इस सेशन को पॉज करके आप इन सेंटेंसेस को रिपीट कर सकते हैं, ताकि आपको एक तो बोलने की प्रैक्टिस हो जाए सेंटेंसेस को. और ये है, अब मान लीजिए मैंने तो आपको विराट कोहली का पिक्चर दिखाया, आप चाहे आप किसी और चीज़ का या किसी और अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस या स्पोर्ट्स पर्सन का पिक्चर ले सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लाइक ये पर्सन है, ये ऐसा करता है, ये फिल्म से काम करता है, ये अच्छा सिंगर है. जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहें वो दे सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द पीपल बट इट कैन बी अबाउट द थिंग्स, लाइक ये एक मार्कर है, ये इस कंपनी का मार्कर है, इट इज़ लाइक इफ आई से इट इज़ अ कैमलिन मार्कर और ये बहुत अच्छा है, ये ब्लैक कलर का है, ये इतने का आता है. तो वो इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी के भी बारे में आप उस इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं. सो दिस इज़ योर टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, एनीवन, एनी पर्सन, एनी प्लेस. सो अगर एक हम रिकैप देखते हैं कि कंडीशंस का, कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रुथ्स एंड फैक्ट्स के लिए, सेकेंड हम यूज़ करते हैं हैबिचुअल एक्ट्स के लिए, थर्ड वी यूज़ इट फॉर सम काइंड ऑफ रिपीटेड और रेगुलर एक्शंस, देन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्रेजेंट टेंस में ट्रू है देन वी यूज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड द लास्ट वाज़ टू गिव सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो आप लोग सब इन सब कंडीशंस के ऊपर अपने आप कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं और इस सेशन को पॉज करके हर कंडीशन के बाद मेरे सेंटेंसेस को रिपीट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने सेंटेंसेस, अपने खुद के सेंटेंसेस भी दे सकते हैं. तो अब हम आगे देखेंगे कि ऐसे कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं, किस तरह से हम एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस.